गाइज ये एलिफेंट से लड़ाई करते हुए, टस्कर से लड़ाई करते हुए मरा है, और ये भी बहुत बड़ा है। लड़ाई पूरी रात चली थी, पता था कि लड़ाई पूरी रात चल रही है, क्योंकि तो छुड़वाया नहीं किसी ने, छुड़वाना चाहिए था यार। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज पीयूष कुमार सोल से आ गए हैं, और अभी हमारा प्लान बन रहा है जाने का कॉर्बेट म्यूजियम, जो कि रामनगर में है। यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है। मैं मम्मी को भी लेके जाता, लेकिन मम्मी को कोई इंटरेस्ट नहीं है टाइगर वाइगर में, कोई इंटरेस्ट नहीं, जानवर ही है। लेकिन भाई हमको तो इंटरेस्ट है ना। अराउंड 2 घंटे लगेंगे हमको पहुंचने में, तो जाके दिखाऊंगा कंप्लीट म्यूजियम, क्या क्या है उस म्यूजियम में सब कुछ। चलो भाई। भाई ये क्या लेके आ रहा है? माल्टा। ये देखो भाई, बिना खाने के तो जाएगा ही नहीं है, खाना ही चाहिए इनको बस। तो चाचा चाची पीयूष कुनाली और मैं जा रहे हैं बस, बाकी सब घर में ही है। चलो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं। ट्रैवल कर लिया, एक भी उल्टी नहीं करी मैंने। अरे हाँ, आज कुनाली ने उल्टी नहीं करी। मैं दिल्ली हरियाणा सब ट्रैवल कर लूंगा। तो गाइस हमको यहाँ से अंदर जाना है, तो म्यूजियम के लिए टिकट लेते हैं हम। 4 टिकट दे दो, कुनाली कन लगेगा। तो गाइस टिकट ले लिए, और 100 रुपए की एक देने की टिकट है। आजो कम है, रियल वाला होता फिर करते रियल वाले को। तो अभी गाइस हम अंदर आ गए, और अंदर आते ही देखो हमको क्या दिखा। तेंदुआ रियल है ना? एक चीज दिखाता, क्या है? ओ भाई ये क्या है? ये रियल हड्डियां है क्या? भाई इतना बड़ा होता टाइगर, क्या वेट होता है इसका? इसका जो वेट होता है, मेल का जो वेट होता है, 300 किलो। मतलब वीडियो में लग नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा है ये, देखो बहुत। तो स्किन ओरिजिनल है, तो गाइस ये ओरिजिनल स्किन है। और इसके इसके अंदर क्या भरा हुआ है? और ये मरा कब था? और कैसे मरा? इसकी नेचुरल डेथ हुई थी। अच्छा, नेचुरल डेथ। तो उसके बाद जो इसके अंदर का था, इसकी बॉडी का, उसका क्या किया? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बेकार हो जाता है, ठीक है, सड़ जाता है। ये भी रियल है? हाँ ये भी रियल है। ये वाला टाइगर, हर टाइगर की अपनी एक टेरिटरी होती है। यह बाघ उस क्षेत्र के प्रमुख नर के साथ क्षेत्रीय लड़ाई में मारा गया। ये लड़ाई में मरा था। ये वाला फिर भी छोटा है, इससे बड़ा वो है, और सबसे बड़ा ये है, ये टाइगर का बच्चा। पूरे वर्ल्ड में जो ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना इसमें, तो वहीं पे टाइगर है बस, अदरवाइज टाइगर नहीं है। तो इंडिया में बहुत जगह है वो, सबसे ज्यादा भी इंडिया में ही है टाइगर, सबसे ज्यादा इंडिया में ही है। एक और टाइगर, इसकी डेथ हुई है, वो टस्कर एलिफेंट से फाइट करते हुए मारा गया। टस्कर एलिफेंट जो अकेला रहता है। अच्छा, एलिफेंट से फाइट करते हुए मरा हुआ है। टस्कर एलिफेंट जो टस्कर जंगल में अकेला आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। वैसे टाइगर मार सकता है हाथी को? हाँ, फाइट दोनों की होती है, पर बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि दोनों फाइट करते हैं, क्योंकि ये जो अटैक करता है ये बच्चों पे ही अटैक करता है, बेबी एलिफेंट। तो इसने क्यों लड़ाई करी उसके साथ? ऐसी ऐसी कुछ बात हो, मतलब इनका भी अपना एक ईगो होता है, ईगो टाइप में, ईगो बेचारा ईगो में लड़ाई करके मर गया। अच्छा सिला हुआ है। गाइज ये एलिफेंट से लड़ाई करते हुए, टस्कर से लड़ाई करते हुए मरा है, और ये भी बहुत बड़ा है लिटरली, मतलब पूरे कमरे में कितना बड़ा है देखना। 1977 में मरा था ये। लड़ाई पूरी रात चली थी, पूरी रात चली थी। पता था कि लड़ाई पूरी रात चल रही है, तो छुड़वाया नहीं किसी ने, नहीं छुड़वाना चाहिए था यार, बेचारा बच जाता। बस अब अगर लड़ाई होती छुड़वाते हैं आप, अगर अब जंगल में होती है तो जंगल में अपनी अपनी वह हर किसी का। अच्छा, मतलब लड़ सकते हैं, मतलब इकोसिस्टम बना हुआ है। हाँ हाँ, इकोसिस्टम तो है, फूड चेन भी बनी हुई। हाँ, फूड चेन भी बनी हुई है, हम उसे तोड़ नहीं सकते। हाँ, हम तोड़ नहीं सकते, तो हमको कोई हक नहीं है। बीच में गया था छोड़ने के लिए, हैं कोई बीच में गया था छुड़वाने के लिए। अच्छा हाँ, कोई जाएगा भी तो उसी का। हाँ ये बात भी है। ये देखो यहाँ बच्चों के लिए भी है बाघ। अच्छा पजल है, देखो। अच्छा पजल है, कुनाली आपके लिए पजल भी है यहाँ पे। अच्छा इकोसिस्टम रियल है, 2 महीने का। ये कैसे मरा? ये भगदड़ में मारा गया। अच्छा भगदड़ में। और गाइस ये है इकोसिस्टम पूरा, जो हमारा इकोसिस्टम है वो सारे मेल थे, ये फीमेल है। मेल जो है वो फीमेल से बड़ा होता है, हाइट में भी। अच्छा मेल फीमेल से बड़ा होता है, और लेंथ में भी। ये भी रियल है ना? बच्चा भी रियल है। मेल क्या है, बच्चों को मार देता है। अच्छा मेल बच्चों को मार देता है? हाँ, और ये अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी लोकेशन चेंज करते रहती है। तो मारता क्यों? खाने के लिए। बच्चा बड़ा होगा तो अपनी एक टेरिटरी बनाएगा। अच्छा हाँ, तो हर किसी टाइगर के अपने अपने ही बच्चे को मार देगा। हाँ फिर तो मेल ही खतरनाक है ज्यादा। लेपर्ड की आवाज, टाइगर की आवाज, एलिफेंट की, कुनाली की आवाज सुनाओ। कुनाली की आवाज। अच्छा कुनाली आपकी आवाज है।
अच्छा शो शो भी है यहाँ पे गाइस, द फॉरेस्ट एट जंगल। चलो देखते हैं। अरे एक और लेपर्ड, इसने 6 बच्चों को मार दिया था। किसको मारा था? 6 बच्चे मार दिए। 6 बच्चे? हाँ। किसके? कौन से बच्चे? बच्चे इंसान के बच्चे मार दिए। ओ भाई गाइस, ने 6 इंसान के बच्चे मार दिए। फिर इसको मार दिया। टाइगर तो बहुत बड़ा होता है, देखो लेपर्ड है ये। हमारे पहाड़ में ये होता है, देखो जो पहाड़ों में होता है ना, जैसे लास्ट ईयर मोदी जी आए थे तो यहीं रुके हुए थे। अच्छा मोदी जी यहाँ रुके थे। मैन वर्सेस वाइल्ड मूवी भी बनाई हुई है। अच्छा हाँ, मैन वर्सेस वाइल्ड। और ये अच्छा बियर ग्रिल्स आए थे जो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वहीं रुके थे जी। तो इस तरह से कैमरे लगाए जाते जंगल में, टाइगर की काउंटिंग इसी से करते हैं, टाइगर की एक्टिविटीज, जंगल की एक्टिविटीज सारी इसी से देखते हैं। कुनाली फील द फॉरेस्ट। मैं तो नहीं दिख रहा भाई इसमें। अच्छा मैं भी दिखूंगा रुको, ये देखो मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ना, मैं भी टच करता हूँ। कितनी दूर है यार, मैं टच ही नहीं, बहुत दूर है, टच ही नहीं हो पा रहा। मस्त लग रहा है यहाँ पे, पूरे जंगल वाली फील। मतलब यहाँ पे आके पूरा जंगल के बारे में काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, एनिमल्स के बारे में, नेचर के बारे में, सब कुछ चीज़ों के बारे में। नाइट शो था ना वो, तो भाई नेक्स्ट लेवल था। ऐसा लग रहा था कि रात हो रखी और पूरे पूरे जानवरों के बीच में हमें, भाई वो नेक्स्ट लेवल था भाई। सारे जानवरों की आवाज़ आ रही थी, सारे जानवर दिख रहे थे भाई। ये बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, किंग कोबरा भी है यहाँ पे। हाँ ये रियल हैं, ये सारे रियल हैं, ये सारे रियल हैं। ये देखो लेपर्ड के बच्चे, लेपर्ड के छोटे बच्चे 80-90 दिन के हैं सिर्फ। ओ भाई कैसे रखे हुए हैं। ये देख लेपर्ड के बच्चे, टाइगर फ्लर्ट अबाउट 30 दिन के हैं, 30 दिन के। देखो ये देखो टाइगर को मार रहे हैं यहाँ पे। चले फिर अब चले, अंधेरे वाले में जाना है। क्या अंधेरे वाले में? अंधेरे वाले में दोबारा जाना है। अंधेरे वाले में सबको बहुत मजा आया, और हमको यहाँ पे भरत सर मिले, इन्होंने अच्छे से सब कुछ गाइड कर दिया, सब कुछ बता दिया यहाँ के बारे में। तो थैंक यू सो मच सर, वेलकम। ठीक है तो अभी हम म्यूजियम से बाहर आ गए, तो चलो अब चलते हैं। कैसा लगा? मस्त लगा ना गाइज। मैं तो जंगल लवर हूँ, जंगल लवर, एनिमल लवर, तो मुझे तो ये सब चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। आई होप आपको भी पसंद आई होंगी। लेकिन भाई वो नाइट शो मस्त था लेकिन। और गाइज ये हैं जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पे ये नेशनल पार्क है। चलो अपनी गाड़ी उठाते हो, चलते हैं सीधा घर। कहाँ से आए हो आप? मुरादाबाद। अच्छा मुरादाबाद से। उनके बारे में कुछ सीखने को मिला? अंधेरे वाले में मजा आया था। भैया एक राजमा चावल देना। तो अभी गाइस रुके हैं, भूख लग रही थी, राजमा चावल लेते हैं एक। कौन खाने राजमा चावल खाने? अब तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। चलो भाई घर पहुंच चुके हैं सोसाइटी में अपनी। तो अभी घर पहुंच चुके हैं, फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खिला दे भाई, ऐसे मत कर यार प्लीज।